हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसका हम ओवरव्यू लेंगे और की कंपोनेंट्स देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि सप्लाई चेन होता क्या है। तो सप्लाई चेन जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसमें कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल और एक्टिविटीज़ और इंफॉर्मेशन का लेन देन किया जाता है, और इसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम सप्लाई करते हैं। और वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रोडक्ट भी हो सकती है और सर्विस भी हो सकती है, और इनको हम सप्लाई करते हैं सप्लायर से कस्टमर के थ्रू। अब इसमें की एक्टिविटीज होती हैं, इसमें तीन की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहला होता है प्रक्योरमेंट। तो प्रक्योरमेंट हम करते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल्स का, फिर हम उन रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर को सप्लाई करते हैं ताकि वो उस रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बना सके, और जब हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद हम डिलीवरी करते हैं उस फिनिश्ड प्रोडक्ट की। तो आइए आगे देखते हैं। अब की कंपोनेंट्स देख लेते हैं सप्लाई चेन के। तो सबसे पहला कंपोनेंट है सप्लायर। तो सप्लायर जो होते हैं ये वो बिजनेस होते हैं या जो बिजनेस होते हैं जो रॉ मटेरियल या फिर पार्ट्स या फिर सर्विसेज जो है जो जिसकी ज़रूरत होती है एक प्रोडक्ट को बनाने में वो सप्लाई करते हैं। और सप्लायर का जो रिलेशनशिप होता है ये क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करता है, और डिलीवरी कितनी जल्दी हो सकती है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं सप्लायर्स। अब नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ये जब एक बार मटेरियल को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा दिया जाता है, एक बार रॉ मटेरियल को आपने निकाल लिया तो आप उसे मैन्युफैक्चरर को भेजते हैं। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स के अंदर, और इसमें जो इन प्रोसेसेस होती हैं वो होती हैं असेंबली, प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स की असेंबली करते हैं, सब मशीन्स की असेंबली करते हैं ताकि हम उन रॉ मटेरियल्स को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए, उन रॉ मटेरियल्स को हम अच्छे से कन्वर्ट कर पाए प्रोडक्शन रॉ मटेरियल्स को हम अच्छे से कन्वर्ट कर पाए प्रोडक्ट के अंदर, और फिर हम उन प्रोडक्ट के लिए पर प्रोडक्शन करते हैं, और लास्ट में हम क्वालिटी कंट्रोल को देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब तो नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ये इंटरमीडियरीज की तरह एक्ट करते हैं, और ये हैंडल करते हैं और स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को जो जिसकी जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। इसमें सब जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट को रीसेलर्स को, और ये रीसेलर जो होते हैं ये कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो रिटेलर्स के पास पहुंच पाए ताकि जो रिटेलर्स हैं वो कस्टमर तक एफिशिएंटली प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। अब नेक्स्ट आता है रिटेलर्स। तो रिटेलर्स जो होते हैं ये एक फाइनल लिंक की तरह होते हैं, जो सप्लाई चेन का जो सबसे फाइनल लिंक होता है वो रिटेलर्स होते हैं, और ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं कंज्यूमर्स को डायरेक्टली, और ये फिजिकल भी स्टोर कर सकते हैं गुड्स को, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। अब लास्ट आते हैं कस्टमर। तो कस्टमर जो होते हैं ये जो प्रोडक्ट होता है उसको खरीद लेते हैं, बाय करते हैं ये उस प्रोडक्ट को, और इसमें हम ये समझते हैं कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, जो कि बहुत क्रूशल होता है एक सप्लाई चेन को इफेक्टिव बनाने में और उसका अच्छे से मैनेजमेंट करने में। जब कस्टमर की डिमांड को हम मीट करते हैं तभी हमारी सप्लाई चेन अच्छे से वर्क कर पाती है।